दोस्तों, कोई भी चीज अगर आप इंटरनेट पे प्रमोट करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए यूजर बेस। यूजर बेस कैसे आएगा, कहां से आएगा? काफी सारी कंपनीज नंबर्स को सेल करती हैं, ईमेल आईडीज को सेल करती हैं। अगर आप वो परचेज करते हो काफी सारी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूं जिसकी मदद से आप लाखों यूजर्स के कॉन्टैक्ट नंबर यूज कर सकते हो और उनके साथ डायरेक्ट अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तरीका बताऊंगा पूरे वीडियो के अंदर, और साथ में ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्टैक्ट्स को कॉपी कर सकते हो, वो भी 2 या 3 मिनट के अंदर। जबकि काफी सारे यूजर सिंगल सिंगल कॉन्टैक्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें काफी सारा टाइम भी वेस्ट होता है और साथ में मेहनत तो लगती है। लेकिन अगर उसी मेहनत को मैं आपको बोलूँ कि मैं वही चीज आपको 2 या 3 मिनट में चुटकी बजाती करके दिखा सकता हूं तो कैसा लगेगा? दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप को बना सकते हो, कॉपी कर सकते हो वहां के कॉन्टैक्ट। और कई आपने ग्रुप्स देखे होंगे जिनके अंदर क्या है कि एडमिन ने सेटिंग कर रखी होती है कि SMS सिर्फ और सिर्फ एडमिन सेंड कर सकता है, आप उसमें SMS नहीं सेंड कर सकते। तो आप उस चीज को कैसे एक हैक के द्वारा उस चीज को यूज कर सकते हो और सेम ग्रुप्स के सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स की यूज करके एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, सेम डिजाइन सेम लेवल का, और उसके अंदर आप कोई भी लिंक प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि शॉर्ट URL कुछ चीज होती है जिसकी मदद से पैसा कमा सकते हो आप, तो इस टाइप से आप काफी सारे ग्रुप्स का डाटा कलेक्ट करके वहां पे वो लिंक पेस्ट कर सकते हो। आप डाटा आप कैसे कलेक्ट करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के नंबर कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, आपके पास तो 50 या 100 यूजर्स होते हैं लेकिन वो बाकी नंबर्स कहाँ से आएंगे, लाखों बंदों के नंबर कैसे लोगे? यही सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीनू, आप देख रहे हो चैनल सेव मनी वर्ल्ड। आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और अगर भाई चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हमने नोटपैड खोल लिया है। इस प्रोसेस को करने के लिए अपन लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत है। वो 3 चीज़ें क्या क्या है? सबसे पहला, अपन लोगों के पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद व्हाट्सएप वेब, क्योंकि ये जो प्रोसेस है मोबाइल पर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे, ये वेबसाइट ब्राउज़र में ही काम करेगा। तीसरी चीज़ है कॉन्टैक्ट नंबर। अगर हमें कोई भी चीज़ प्रमोट करनी है तो अपने पास काफ़ी सारे यूज़र्स का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। अब वो कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मिलेंगे, आप वीडियो देखोगे आपको पता लग जाएगा। तो जैसे मेरे पास फ़िलहाल लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप से स्टार्ट करता हूँ। अब व्हाट्सएप वेब के लिए आप एक लिंक खोल सकते हो, web.whatsapp.com। इस लिंक की मदद से आप किसी भी व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ खोल रखा है, तो मान लीजिए हम कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप आपके कंप्यूटर में आप देखोगे तो आपको शो हो जाएंगे काफ़ी सारे ग्रुप्स जो भी आपके मोबाइल्स के साथ अटैच होंगे। अब देखिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये ग्रुप है, ग्रुप के अंदर नियर अबाउट 162 कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहे हैं आपको। ठीक है, अब हमें ये इनके नंबर्स चाहिए। अगर हम एक एक नंबर करके कॉपी करते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्पेक्ट टेलीग्राम एलिमेंट पर क्लिक कर देंगे, जिसकी मदद से जितने भी नंबर हैं सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे इन HTML फॉर्मेट। तो हम यहाँ से कॉपी पे जाएंगे और कॉपी एलिमेंट कर लेंगे। उसके बाद हम इस चीज़ को एक्सेल ओपन कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मेरे पास एक्सेल 2007 है, तो आपके पास जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ आपने इसको पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए नंबर, हर एक नंबर के आगे +91 लगा हुआ है, लेकिन हमें व्हाट्सअप के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सेव करना। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद Ctrl+H प्रेस करेंगे। अब हमने +91 ढूंढना है तो हमने सारे ढूंढ के उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद देखोगे आप तो जितने भी +91 थे वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। अब देखो नंबर के बीच में, हर नंबर के बीच में आपको स्पेस दिख रही होगी थोड़ी सी,
अब हमें इसको गायब करना है। स्पेस को गायब करने के लिए हम स्पेस को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कंट्रोल एच दबाएंगे और कंट्रोल एच दबा के जहाँ प्लस 91 अपन ने पहले लिखा वहाँ पे हटा के स्पेस डाल के पॉइंट होल करेंगे और सबको रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस कर देंगे देखिए सारी स्पेस वहाँ से गायब हो चुकी है। अब हमने फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें जाना है डाटा सेक्शन के अंदर। डाटा में जब जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम्स, इसको कुछ चेंज करना है और नेक्स्ट में स्पेस को हमने कोमा को चेंज कर देना है, क्योंकि देखिए हर एक नंबर के साथ में कोमा लगा हुआ है तो हम उसको गायब करना चाहते हैं। तो जैसे ये करेंगे तो जितने भी कोमा थे सारे के सारे आप देख रहे हो गायब हो चुके हैं। अब हम इस पूरे के पूरे लाइन को कॉपी कर लेंगे, ये गलत कॉपी कर लिया है, हमें पूरी लाइन कॉपी करनी है तो हमें पूरी पूरी रो हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम इसको राइट क्लिक करके पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल नाम की चीज़ है, उसके अंदर जाके इसको ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब ये अभी रो के अंदर है, ये सारे का सारा कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कन्वर्ट हो गया है कॉलम के अंदर। अब जो चीज़ें अनवांटेड हैं हम उन सबको डिलीट कर देंगे, जैसे ये कर दी है, ये पहली लाइन में भी हमें आगे वाला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नंबर्स हमने सर्च किए हैं, नंबर हमें मिल चुके हैं। ये नंबर्स कई बार दो बार कॉपी हो जाते हैं तो हम इस बाकी जितना भी है उसको डिलीट कर देंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उस चीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से डिलीट पे जाके हम इसको पूरे को डिलीट कर देंगे और शिफ्ट सेल अप कर देंगे। देखिए सारे के सारे डिलीट हो गए जो कि अनवांटेड फाइल्स थी। अब अपने पास रह गए ये दो नंबर हैं, ये भी सही से नंबर आए नहीं, इनको भी डिलीट कर दीजिए। तो अब अपने पास बाकी ये सारे के सारे नंबर्स जो उस ग्रुप के अंदर अवेलेबल थे ये अपने पास आ चुके हैं। तो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हम डिलीट कर चुके हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास ये नंबर्स बिल्कुल तैयार हैं जो कि उस ग्रुप के अंदर अवेलेबल थे और ये सारे नंबर्स कॉलम फॉर्मेट के अंदर अपने पास अवेलेबल हैं। और अब जो बात आती है वो आती है कि हम इसको सेव कैसे करें, क्योंकि अब हम हर एक नंबर को अपने व्हाट्सएप में सेव करेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और लाखों नंबर्स को सिंगल एक या दो मिनट के अंदर हम सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो उसके लिए जो ट्रिक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी, और जैसे मैंने किया वैसे ही कीजिएगा। अगर कोई भी स्टेप आगे पीछे कर देते तो आपका हो सकता है काम ना करें। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल कॉन्टैक्ट्स को। अगर हम कोई भी कॉन्टैक्ट जीमेल के अंदर सेव कर लेते हैं तो वो, और अगर वही ईमेल आईडी हमारे प्ले स्टोर पर ओपन है तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स हमें आ जाते हैं हमारे फ़ोन के अंदर। देखिए लेकिन जीमेल में ऐसे सेव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक नेम देना पड़ेगा, नेम कंपलसरी है। नेम देने के बाद आपको जो नंबर आपने लिखे उसको भी हेडिंग देनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट लिख दो या फ़ोन नंबर लिख दो। अगर कॉन्टैक्ट से नहीं होता तो आप फ़ोन नंबर लिख सकते हो, वहाँ से भी ये चीज़ हो जाएगी आपकी। अब नाम देखिए, हर एक नाम हम टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। बिजनेस के आगे हम कोई भी नंबर लिख देंगे एक, ताकि ये इजी वे से हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को सेव कर सकें। जैसे हमने इसको एक नंबर दे दिया बिजनेस 40 या 4 जो भी हम देना चाहें वो दे सकते हैं इस चीज़ को, 409 हमने दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो हम एक और नंबर देना है बिजनेस 410। देखिए अगर हम इसको सीक्वेंस में देंगे तो इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये हमने सेव कर दिया। आफ्टर डैट क्या है, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ये आप दोनों को सिलेक्ट करें और इसको पकड़ के नीचे खींच दिए जहाँ तक आप चाहते हो।
तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको एक नेम मिल जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक सिक्वेंस में मिल जाएगा। इसमें क्या कि आपको बार बार नंबर लिखने की जरूरत नहीं, जैसे देखिए ये 567 तक हो चुका है, 409 से 567, मतलब टोटल 159 कॉन्टैक्ट्स हमने कॉपी कर लिए हैं ग्रुप के अंदर से। अब इस फाइल को हम किसी लोकेशन पे रख लेंगे, जैसे मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, और हम इसको एक नाम दे देते हैं business.xls, क्योंकि ये फाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल है, तो ये XLS में आएगी इसकी एक्सटेंशन। लेकिन क्या होता है, जो गूगल कॉन्टैक्ट है वो .xls फाइल को सपोर्ट नहीं करते। अब देख सकते हो हमारे कॉन्टैक्ट बिल्कुल लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब जो बात आती है वो आती है इसको गूगल कॉन्टैक्ट्स में अपलोड करने की, तो वो अपलोड कैसे करेंगे, क्या तरीका है उसको अपलोड करने का, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है उसको देखने के लिए। तो बस वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। देखिए हम जीमेल ओपन कर लेते हैं। जब आप जीमेल ओपन कर लेते हो, तो आपके देखिए राइट हैंड साइड में ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर जब क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नाम से एक चीज़ आती है, कॉन्टैक्ट्स पे आपने क्लिक करना है, तो गूगल कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर या मोबाइल जिसमें भी आप यूज़ कर रहे हो। देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स दिख रहे होंगे, आयुष्मान कार्ड्स जो बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो बंदों के नंबर हैं, ठीक है। बुटीक अगर कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये नंबर भी अवेलेबल है, CSC ऑल इंडिया लेवल पे नंबर हैं CSC के, ठीक है। इसी टाइप से काफ़ी सारे नंबर्स हमारे पास हैं, और ये तो मेरी डमी अकाउंट है, तो नियर अबाउट 3 लाख से 4 लाख नंबर हमारे पास सेव हैं जो कि हम प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आपने क्रिएट मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है, वहाँ पे हमने एक बिज़नेस नाम से लेबल बना दिया ताकि हमें कॉन्टैक्ट्स पता करने में इजी रहे कि किस फील्ड के नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सिलेक्ट फाइल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी फाइल थी वो एक्सेल फॉर्मेट में थी जो कि ये सपोर्ट नहीं करता है, इसके लिए हमें CSV फॉर्मेट को करना पड़ेगा। अब CSV फॉर्मेट कैसे करेंगे वो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम ऑनलाइन सर्च करेंगे XLS2CSV। तो अब इससे क्या होगा, जो भी कन्वर्टर्स ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे कन्वर्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं फर्स्ट वाले पे। तो यहाँ ऐड फाइल के लिए बोल रहा है, जो फाइल हमने बनाई थी उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमने ये फाइल डेस्कटॉप से उठा ली है, अब इसको कन्वर्ट करना है। पर आई थिंक कोई एरर आ गया इसके अंदर, तो हम वापस एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं CSV में हमें कन्वर्ट करना है। ये ड्रॉप लिंक किसी और जगह पे ही लेके जा रहे हैं अपने लोगों को। अगर ये काम नहीं करता तो रिफ्रेश कर लीजिएगा, वापस से हम ऐड फाइल करने के लिए ट्राई करते हैं। ये हमने फाइल अटैच कर दिया, और देखिए अभी ये पेंडिंग आ चुकी है कि ये इन सर्वर पे हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं कन्वर्ट ना हो से, तो ये कन्वर्शन स्टार्ट हो चुकी है, कन्वर्शन हो गई है लगभग। तो अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, ये पूरी की पूरी फाइल अपने में CSV फॉर्मेट के नाम से सेव हो जाएगी। अब हम गूगल पे चल पड़ते हैं और फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड किया। तब हम यहाँ डाउनलोड फोल्डर में चल पड़ते हैं जहाँ से हमने ये डाउनलोड हुई थी। ये आ गया बिजनेस को CSV। देखिए यहाँ CSV फाइल हो चुकी है, इसको इंपोर्ट कर देते हैं। देखिए 2 सेकंड लगी हैं, 2 सेकंड में सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर business40940401041 सारे के सारे अपने पास सेव हो गए हैं। और ये कितने कॉन्टैक्ट्स थे तो आप देखना चाहते हो तो यहाँ बिजनेस के देख सकते हो 159 कॉन्टैक्ट्स ये हैं जो कि सेव हो चुके हैं।
बस अब आपने क्या करना है, इसको अपने व्हाट्सएप में खोलना है, अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, वहाँ पे न्यू ग्रुप बनाने के लिए सेलेक्ट करना है और ग्रुप में डाल देने हैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर। और अब ये सारे नंबर्स आपके ग्रुप में आपके फ़ोन में सेव हो चुके हैं, तो आप एक नया ग्रुप बना सकते हो, उस ग्रुप को अपना नाम दे सकते हो, जो भी देना चाहते हो। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सेटिंग्स होती हैं उसमें आप इसको कर दीजिएगा कि एडमिन ही पोस्ट कर सके, ताकि कोई और आपके ग्रुप में कोई भी मैसेज या कोई प्रमोशन मैसेज ना डाल पाए। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, यहाँ से ट्रैफिक ला सकते हो। आप कैसे ग्रुप्स मिलेंगे आपको, तो उसके लिए आप गूगल पे जाके लिख सकते हो जिस भी फील्ड के रिगार्डिंग आपको ग्रुप चाहिए। अगर आपको अर्न मनी के रिगार्डिंग चाहिए या पेटीएम कैश के रिगार्डिंग चाहिए, तो आप लिख दीजिए पेटीएम कैश व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक्स आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी मैं बताना चाहता हूँ वीडियो में पूरा बता दिया है, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद वीडियो आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये ट्रिक यूज़ करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए, इस ट्रिक से कोई भी गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आप करते हो तो आपकी जिम्मेवारी खुद की होगी उस चीज़ की। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्टैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और एक नया ग्रुप वहाँ पे बना सकते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। फ्री सर्विस है, अगर आप इसकी एक्सटेंशन परचेज करना चाहोगे तो काफ़ी महंगी मिलेगी। तो दोस्तों पूरी की पूरी ट्रिक मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड पे वर्क करना चाहते हो, मान लीजिए आप फोटोग्राफी पे वर्क करना चाहते हो, तो इंटरनेट से आप फोटोग्राफी से रिलेटेड सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स उठा लीजिए, उसके बाद उसको कर दीजिए एक ग्रुप में मर्ज, व्हाट्सअप ग्रुप बना दीजिए, उसके बाद अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और जेन्युइन ट्रैफिक आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।